नमो नमः बच्चों, आप सभी को वर्चुअल क्लास में एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ। मैं संस्कृत की वर्चुअल क्लास में 9th की हमारी तीसरी ये क्लास है। इस पहले 2 दिन हम लोग पढ़ चुके हैं, और संस्कृत में आपने अभी इससे पहले समास और कारक के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। और आज हम सबसे अंतिम पाठ है, एकविंश पाठ सूक्त है। तो ये सूक्ति वाला पाठ पढ़ेंगे, तो सब लोग अपनी अपनी पुस्तक को खोलें, पाठ्य पुस्तक को खोल लें, एकविंश पाठ निकालें, पाठ्य पुस्तक का एकविंश पाठ। ये सूक्त है पाठ, आपका महत्वपूर्ण पाठ है, और इसमें आपके प्रश्न पत्र में सूक्तियां आती हैं, खाली स्थान में रिक्त स्थान भरने के लिए, और प्रश्न उत्तर भी इसमें से दिए जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपनी अपनी किताबें निकालें, पाठ्य पुस्तक। आपकी सभी छमाही परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं कुछ ही दिनों में, तो आप लोग सब विषयों की तैयारी कर रहे होंगे, सबके साथ साथ संस्कृत की भी अच्छी तैयारी होगी। तो संस्कृत में आप लोग पाठों के साथ साथ व्याकरण पे और निबंध आवेदन पत्र पर भी आप सब अच्छे से तैयार करें, क्योंकि सभी के अंक इसमें जुड़ते हैं। तो आप संस्कृत में विशेष रूप से तैयारी करें। अभी तक पाठ्य पुस्तक आप लोगों ने लगता निकाली नहीं है, थोड़ा जल्दी से निकालिए आप। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है, इसमें सूक्ति है, तो आप इसको, क्योंकि सूक्ति का अर्थ नहीं आता फिर भी हमें अर्थ इसलिए समझना पड़ता है, क्योंकि अर्थ के बिना समझे हम इसको। आप खाली स्थान जो रिक्त स्थान पूर्ति में जो 2 अंकों की आपकी सूक्ति आती है, उसको जब अर्थ आप समझ लेंगे तो उसको आसानी से भर सकते हैं। इसलिए सूक्तियां, जो छोटी छोटी सूक्तियां, उनको आपको याद करना आवश्यक है। और क्योंकि पाठ्यक्रम में आपकी सूक्तियों का रिक्त स्थान पूर्ति में है दिया गया है, इसलिए आप इस सूक्तियों को खाली स्थान के लिए याद करना जरूरी है, तो आप इसको याद करें। पहली सूक्ति है, मे मन मनः शिव संकल्पम अस्तु। मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, इसका उच्चारण भी आप ध्यान से करें। और इसको सूक्तियों का अर्थ आपका सूक्त यानी सुधन उक्ति। सूक्ति उसे कहते हैं जो अच्छे विचार हो, अच्छे जो हमें प्रेरणादायक शब्द हो का जिससे बोध हो, वो सूक्ति कहलाती है। सु यानी अच्छी, उक्ति मन बोलना, जो अच्छे वाक्य हैं जो हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं, हमें कोई संदेश देते हैं, वो सूक्ति कहलाते हैं। तो पहले आप इसका अर्थ देखें, हर सूक्ति में कुछ न कुछ इसमें संदेश छिपा हुआ है, कोई अच्छी बात छुपी हुई है। तो सूक्तियों को आप अपने चरित्र पर भी आप इसको करें उसको, तो आपको इससे बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। पहला आप सूक्ते, मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन शुभ संकल्प की ओर जाए, या मुझे मेरा जो मन है वो अच्छे संस्कार प्राप्त करे। शिव संकल्पम यानी अच्छे संस्कारों को या अच्छे संकल्प को प्राप्त करे या अच्छे संकल्प की ओर जाए। जो हमारा मन बुरे संकल्प नहीं लेके अच्छे संकल्प लेना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि मे मन है शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन शुद्ध संकल्प शिव संकल्प करे या अच्छे संकल्प करे। फिर दूसरा है, सत्य श्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि, जो सत्य है और श्रम यानी मेहनत, इन 2 चीजों से सभी कार्य की सिद्धि होती है। जो हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए सत्यता को होना जरूरी है, अगर हम असत्यता की तरफ जाएंगे तो हमारा काम सफल नहीं होगा। तो सत्यता के साथ श्रम मेहनत करना भी जरूरी है, इन 2 चीजों से सभी कार्य की सिद्धि होती है। सा विद्या या विमुक्ति, ये वही विद्या है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। विद्या यानी जो ज्ञान है वो मुक्ति की ओर ले जाता है, यानी हमें
मुक्ति का ज्ञान दर्शन करता है, तो विद्या वही है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, हमें ऐसा मार्ग दिखाती है जिससे हमें मुक्ति प्राप्त हो, अच्छे हमें आचरण मिले, अच्छा संदेश मिले। तो ये विद्या से ही हम अच्छे आचरण और अच्छा चरित्र कर अपना बना सकते हैं। तो वही विद्या है जो हमें विमुक्ति की ओर ले जाए। योगः कर्मसु कौशलम्, जो योग होता है वो कर्म की कुशलता में होता है। योग जो हम करते हैं वो कर्म की कुशलता में ही होता है, निहित है। अर्थात योग कर्म की कुशलता में योग छिपा रहता है। दोनों इस प्रकार से हम अर्थ इसमें कर सकते हैं। योग है कर्मसु कौशलम, कर्मसु मन काम में कुशलता, यदि हमें काम में कुशलता है वही हमारे लिए योग है। स्वाध्याय न मा प्रमदः, जो अपने अध्याय में हमें कभी भी अध्ययन में कभी भी यानी आलस नहीं करना चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं या अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो हमें अपने अध्ययन में प्रमाद मन आलस नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमादित्व, देवताओं के और पितरों के कार्य में हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, उसमें हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। जो हमारे देवताओं के कार्य है, पूजा पाठ है, पूजन है, और पितरों के कार्य जो हमारे पूर्वज हैं उनके कामों के लिए हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यानी हमें जो बुजुर्ग हैं हमारे उनका हमेशा आदर करना चाहिए, उनकी बातें सम्मान करना चाहिए। इससे हमें यही सीख मिलती है। धर्मो रक्षति रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है। धर्मो रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है, यदि हम अधर्म के मार्ग में चलेंगे तो हमारी रक्षा, इसलिए धर्म के मार्ग में इसमें चलने का संदेश दिया गया कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षित है, उसकी धर्म रक्षा करता है। मंत्र है मूला सर्व आरंभा, जो मंत्र होते हैं उसके जो उसको शुरू सर्व आरंभ, सभी कार्य को हमें शुरू करना है तो हमें मंत्रणा द्वारा ही कार्य को शुरू करना चाहिए। जो हमारे कार्य हैं उसको हमें मंत्रणा के द्वारा ही शुरू करना चाहिए, यानी हमें पहले उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, उसके बाद हमें कोई भी कार्य को आरंभ करना चाहिए, उस समय निश्चित ही सफलता मिलेगी। आहारे व्यवहारे च त्यक्त जह सुखी भवेत, आहार और व्यवहार में यानी खाने में और व्यवहार आचरण में हमें जो लज्जा नहीं करता वही त्यक्त लज्जा, लज्जा का त्याग कर देता वही सुखी होता है। यानी हम संकोच करते हैं कोई भी आचरण करने में या भोजन करने में तो इससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसमें लज्जा को त्यागने वाला ही वो सुखी रहता है भोजन करने में, व्यवहार में। कोई भी हम आपस में व्यवहार करते आचरण करते हैं उसमें लज्जा को त्याग देना चाहिए। सताम ही संदेह पदेशु वस्तु सी प्रमाण अंतः करण प्रयत्तः, जो संदेह स्पद वस्तु है या संदेह स्पद कोई चीजें हैं उसमें हमें मन बुद्धि अंतः मन करण मन कार्य बुद्धि अंतःकरण से और बुद्धि से हमें उसमें जो सज्जन है वो सज्जनों के वाक्यों को हमें प्रमाण मानना चाहिए। मतलब जिसमें हमें संदेह हो तो उसमें जो सज्जन पुरुष हैं या जो अंतःकरण की हमारी जो भावना है उसको हमें हमेशा उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए अगर हमें किसी चीज में संदेह है। फिर अंतिम है उपायेन ही यत सक्यम तत न सक्यम पराक्रमे, यानी जो उपाय से काम संभव हो जाता है वह पराक्रम से संभव नहीं होता है। जो उपाय से संभव होता है काम वो पराक्रम से संभव नहीं होता। मतलब हमको हर काम वीरता से या लड़ झगड़ के नहीं कर सकते, हमें कोई उपाय के प्रयोग से ही हम इसमें जो कार्य है उसको हम पूरा कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आपने ये सूक्तियों को देखा, इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, तो सूक्तियों से हमें एक तो प्रेरणा मिलती है और एक इससे हमें अपने अनुशासन चरित्र निर्माण का भी इससे हम
संस्कारों का भी बोध होता है, इसलिए सूक्तियों से आप हमेशा वो प्रेरणा लें, अपने मन में उतारने का उसको प्रयास करें, तभी आपकी जो पढ़ाई के साथ साथ अपने अनुशासन चरित्र निर्माण भी हो सकता है। जो संस्कृत में जो सूक्तियां शुभाष्टानी है वो हमारे चरित्र निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है और इनसे जो छात्र जीवन में काफी प्रेरणा मिलती है। अब आपके छमाही परीक्षा आने वाली है, तिमाही परीक्षा आपकी पूरी हो चुकी है लगभग, तो आपको थोड़ा सा मैं पेपर का पैटर्न भी बताना चाहूंगी, क्योंकि आपके ये अभी दो क्लास और होंगी इसके बाद में, तो आप लोग पेपर का पैटर्न समझ लेंगे। तो आप वैसे आपने तिमाही परीक्षा में जो पेपर छमाही इसमें दिया है तो वही छमाही परीक्षा में वैसे ही पैटर्न आएगा। 100 अंकों का आपका पेपर रहेगा, तो आप उसके तरीके से तैयारी करें जो तिमाही में आपने की है, और छमाही परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। तो एक बार आप इसको और देख लें, फिर इसके बाद हम प्रत्यय भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पेपर के बारे में बता रही हूँ आपको, क्योंकि अभी समय बचा है हमारे पास में। तो सूक्तियों को तो आप याद करेंगे ताकि आपके सूक्तियों का आप खाली स्थान में इसका प्रयोग कर सके। तो आपका जो पहला प्रश्न रहता है, 100 अंकों का संस्कृत का आपका पेपर रहेगा, सभी को मालूम है। तो 100 अंकों में आपके पहला प्रश्न जो होता है वो उच्च विकल्पम चित्वा लिखत, यानी आपको इसमें चार ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं वस्तुनिष्ठ, इसमें से उत्तर छांटने होते हैं। तो इसमें आपके जो पहला प्रश्न है वो संधि विच्छेद का रहता है और 5 अंक आपके संधि विच्छेद के रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद 4 अंकों का, 4 अंकों के आपके संधि विच्छेद रहता है इसमें। और इसके बाद आपके समास, 3 अंकों के आपके समास विच्छेद, समास विग्रह आपका आएगा। तो समास विग्रह में आपके सकता है समास के नाम भी पूछ सकते हैं और समास विग्रह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद उपसर्ग आता है आपके 2 अंकों का, तो आप उपसर्ग में भी उसको उपसर्ग भी उसमें आपको उपसर्ग बनाने के लिए दिया जाएगा, उसका प्रयोग करना है या पहचानना है आपको किसमें कौन सा उपसर्ग है। तो ये 2 अंकों का आपका उपसर्ग का पेपर है, इसमें प्रश्न रहेगा जिससे आपको उपसर्ग पहचानना है या उसके उपसर्ग का प्रयोग करना है। फिर चौथा प्रश्न आपके अव्यय का आएगा, तो इसमें 2 अव्ययों को आपको प्रयोग करना वाक्यों में, जैसे अत्र है, अत्र अव्यय है, तो इसका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। तो ये आपका 1 अंक का एक रहेगा, तो 2 अंकों का आपका अव्यय का वाक्यों में प्रयोग है। तो हम बिल्कुल छोटा सा आपको वाक्य बनाना है इसका, तो अत्र आगच्छ आप इसका जैसे बनाएंगे वाक्य इसका, तो अत्र आगच्छ बनाएंगे, तो इसमें आपको बहुत छोटा सा रहेगा, तो ये आपको याद करने में सुविधा रहेगी। इसमें आपको बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है, जल्दी तैयार हो जाए, आपको छोटे छोटे तैयार करना है ताकि आप याद कर सके इसको, सरल वाक्य बनाना है इसमें। तो ये 2 अंकों का आपका अव्यय का है, इसका वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आपका प्रत्यय पृथक करना आता है, आपको प्रत्यय पे अभी हम देखेंगे, प्रत्यय को आज हम पढ़ेंगे। तो प्रत्यय भी 2 अंकों का आता है, प्रत्यय में आपको प्रकृति प्रत्यय पृथक करना है, या कभी इसमें नाम भी पूछा जाता है कि इसमें ये कौन सा प्रत्यय का उदाहरण है, या प्रत्यय का आपको विग्रह भी करना पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आपका 1-2 अंकों का आता है प्रश्न धातु, इसमें इसमें धातु और प्रत्यय को जोड़ना रहता है इसमें। ये 4 अंकों का प्रत्यय है आपका, तो 2 अंकों का आपका प्रत्यय अलग करना है और 2 अंकों का जोड़ने का आता है, प्रत्यय को आपको को अलग करके दिया जाए तो इसको आपको जोड़ना है, जैसे है पठ धन तुमुन। अब आपको इसको प्रत्यय को जोड़ना है, तो आपको अगर ये मालूम हुआ तो इसको आप जोड़ सकते हैं पठितुम, तो ये आपके 2 अंकों का है। तो इस प्रकार 4 अंकों का आपके प्रत्यय है। और 6वां प्रश्न आपका आएगा 4 अंकों का, उसमें आपको शब्द रूप पर पूछा जाएगा, शब्द रूप में तीनों उसमें आपको लिखना है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तीनों वचन में आपको लिखना होगा। और शब्द रूप आपके अस्मद है, राम है, पिता है, गुरु है, और फलम और नदी, ये प्राय पूछे जाते हैं, तो इनके शब्द रूप आप याद करें, क्योंकि शब्द रूप में कोई भी
आपसे एक पंक्ति पूछी जाएगी, लेकिन उसके एक पंक्ति में आपको तीनों वचनों में इसका उत्तर देना होता है। प्रश्न नंबर 7 में धातु रूप पूछा जाता है, तो धातु रूप तीनों वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे वद का पूछा है, इसमें रट लकार का, तो वद का, पट का, हस का, भू का, तो ये आपको इसके कम से कम 3 लकार में आपको इसका याद, वैसे 5 लकार है आपके, फिर भी 3 लकार में ज्यादा इसमें पूछा जाता है, तो इसको वैसे 5वें लकार आप याद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे इसमें पट धातु का वर्तमान काल पूछा है लट लकार, तो आपको इसमें तीनों वचन में लिखना पड़ेगा, पठती, पठतः, पठंती। आपको याद रखना है कि लट लकार वर्तमान काल होता है। आपको पहले इसमें काल भी याद करना होगा कि कौन से काल में क्या लगता है, तो पठ लट लकार है जो वर्तमान काल है, इसमें पठती, पठते, पठंती, तो यहाँ हम एक वचन लिखेंगे और द्विवचन और बहुवचन, इसमें तीनों वचन होना चाहिए। और इसमें यहाँ आप अगर प्रथम पुरुष पूछा, पहली विभक्ति पूछी है, तो प्रथम पुरुष होगा, और मध्यम पुरुष कोई भी इसमें पूछ सकते हैं, अन्य पुरुष भी पूछ सकते हैं, अन्य पुरुष तो प्रथम पुरुष ही है, और मध्यम पुरुष होगा तो बीच की लाइन, और उत्तम पुरुष होगा तो आपके अंतिम लाइन, अंतिम पंक्ति आपको इसकी शब्द धातु रूप की लिखनी होगी। तो ये आपके 2 अंकों का आता है, तो आप इसको अंकों के आधार पर पूरा तैयार करें तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, और हर उसमें जितने भी प्रश्न है उनको अवश्य हल करें, छोड़े नहीं उसको। और 2 अंकों का आपके धातु रूप का खाली स्थान में भी भरना आता है कई बार, कि उसको प्राय पूछा जाता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति में, तो अगर आपको धातु रूप याद होगा तो आप उसको इसमें लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 8 में ये जो सूक्ति अभी आपने पढ़ी है आज, तो सूक्तियों का उसमें खाली स्थान में सूक्ति निर्माणम कुरूत, द्वयो पदपूर्तिम कृत्वा सूक्ति निर्माणम कुरूत, यानी 2 पंक्तियों में, दो इसमें 3 दिए रहते हैं, इसमें 3 में से हमें 2 इसमें सूक्ति में खाली स्थान में भरना है। जैसे अभी आपने पढ़ा है मे मन, ये सूक्त है पाठ में, मे मन है संकल्पम अस्तु। अब इसमें यहाँ खाली स्थान छूटा हुआ है, तो अगर आपको सूक्ति याद होगी तो आप सेवम इसमें भर सकते हैं। उसी प्रकार सा या विमुक्तये, इसमें सा के बाद में विद्या, आपको अगर याद होगा पूरी आपने सूक्ति याद की है, तो इसमें विद्या हमें भरना है, सा विद्या या विमुक्ति। तो ये बहुत सरल है सूक्तियां, तो इनको आसानी से आप याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 में आपके 2 श्लोक आते हैं, तो 2 श्लोकों में आपको जो श्लोक आएंगे, तो जो पाठ्य इसमें प्रश्न पत्र में जो आए गए श्लोक, आपके पद्यांश आते हैं प्रश्न उत्तर करने के लिए, गद्यांश और पद्यांश 10 10 नंबर के, तो उसमें जो सुभाष आता है प्रश्न पत्र में, उसको आपको नहीं लिखना है पेपर में, वो उसमें अपनी उत्तर पुस्तिका में, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है, तो उसको आप, उसके अलावा आप 3 याद करना आपको सुभाषित, ताकि आपको 2 आप सुभाषित लिख सके, और जो सुभाषित आप लिखेंगे 2, उनके आपको 4 अंक मिलेंगे, 2 2 अंक के सुभाषित रहेंगे उसमें, तो आपको कम से कम लिखना चाहिए ताकि आप 2 उसमें लिख सकें। इसके बाद एक प्रश्न आता है आपका आम ना का, आम यानी जो सत्य है, उसमें हाँ आपको लिखना है, आम लिखना है, और ना यानी जो सत्य हो उसके आपको सामने समक्ष आपको ना लिखना है, यानी हाँ और ना जैसे प्रश्न रहते हैं आपके हिंदी में, वैसे इसमें संस्कृत में आके आम और ना करके आते हैं, आम यानी हाँ, जो हमें पाठ में हमने जो पढ़ा है, तो उसको आप जब प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये सत्य है कि असत्य है, तो जो सत्य है उसमें आपको आम लिखना है, असत्य में आपको ना लिखना है।
ये भी चार अंकों का, एक एक अंक का है, इसमें चार दिए जाते हैं तो चारों ही आपको करने हैं। जैसे है, एक मैं आपको उदाहरण बता रही हूं, वाल्मीकि आदि कवि अस्ति, अर्थात वाल्मीकि आदि कवि हैं। तो ये सभी को पता है कि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रामायण की रचना की, तो सबसे प्रथम जो कवि थे तो इनको, वाल्मीकि को रामायण के रचनाकार हैं, तो इसलिए ये आदि कवि अस्ति, ये सत्य है। तो इसको हम, इसके आगे हम लिखेंगे आम। उसी प्रकार एक और है, एकलव्य पितृ भक्त आसीत, यानी एकलव्य पितृभक्त था। तो इसको सभी पता है, एकलव्य वो गुरु द्रोणाचार्य का भक्त था, तो इसमें हम गुरु भक्त था, इसलिए इसको हमें, इसको हम ना लिखेंगे क्योंकि ये असत्य है। उसी प्रकार आरुणी, इसकी जगह में आरुणी भी कर सकते हैं, आरुणी ये आपके कोर्स में भी आरुणी का, आरुणी पितृभक्त आसीत, आरुणी पितृभक्त था, तो आरुणी गुरु भक्त था, आरुणी के पाठ में गुरु भक्ति दिखाई बताई गई है, तो इसमें भी हम ना उत्तर लिखेंगे। तो आपको ये आम ना का बहुत जल्दी आप जान लेंगे। तो इसमें चार अंकों का ये, फिर इसके बाद एक प्रश्न नंबर 11 में आपके खाली स्थान की पूर्ति आएगी, रिक्त स्थान की, तो रिक्त स्थान में आप साथ साथ में उसमें उसके कोष्टक में उसमें जो खाली स्थान में आपको भरने शब्द वो भी दिए जाते हैं इसमें, तो ये बहुत सारे आप उसमें से चारों में से छांट के चार प्रश्न करने, चार अंकों का ये है आपका पूर्ति का प्रश्न, इसमें से चार में से आप उसी में से छांट के जो चार आपको दिए जाते हैं इसमें उत्तर, तो आपको आसानी से आप छांट लेंगे। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक की जो अभ्यास पुस्तिका है उसी में से जो अभ्यास प्रश्न रहते हैं पीछे वाले उसी में से दिए जाते हैं। जैसे एक है गृदकूट नामी परकटी वृक्ष, तो इसमें हमें मालूम है कि गृदकूट पर्वत नाम का जो पर्वत था वो कहाँ था, तो वो इसमें पर्वते हम भरेंगे, इसमें पर्वते भरा जाएगा। तो आप जो पाठ पढ़ते हैं तो पाठ ध्यान से पढ़ें, तो पाठ में से अगर आपको पाठ याद होगा तो आप पाठ से या जो पीछे के प्रश्न है अभ्यास प्रश्न उससे पढ़ेंगे तो आपको इसके रिक्त स्थान की पूर्ति आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका चार अंकों का खाली स्थान का, और इसके बाद आपका एक पांच वाक्यों का अशुद्ध कारक आराम शुद्धि करनी, कि जो कारक आप पहले, जो इससे पहले वर्चुअल क्लास हमारी हुई थी उसमें आपने कारक और समास दोनों पढ़े हैं, तो आपने अगर उसको दोहराया होगा, कारक को याद किया होगा, तो आप उसको आसानी से इसमें कारक वाक्यों को, जो अशुद्ध वाक्य इसमें दिए हैं आपके प्रश्न पत्र में उसको आप सुधारेंगे। इसमें आपके हमेशा पांच ये छह सात इसमें देते हैं, तो उसमें से पांच आपको हल करना पड़ेगा, तो पांच में आपके एक एक अंक के एक वाक्य रहता है, तो अगर कारक के आपको नियम मालूम है और विभक्तियां याद है तो आप इसको करते हैं। इसमें सरल वाक्यों का प्रयोग भी हमने पिछली बार किया था, तो वो भी आपको याद करना है, ताकि आप उससे, उसके द्वारा भी आप इसको आसानी से कर सकते कारक को। अब कारक में आपके, मैं दो चार उदाहरण आपको बताती हूँ इसमें। त्वम पठामी, इसमें त्वम पठामी, तो त्वम के साथ हमेशा आपको पता होगा कि त्वम के साथ हमेशा सी का प्रयोग होता है, तो हम ये पठामी है जो इसमें अशुद्ध है, गलत है ये कारक में, तो इसको हम पठामी की जगह हम लिखेंगे पठसी। उसी प्रकार अहम खेलती एक वाक्य है, तो ये इसमें अहम के साथ, अगर आपने वो चार्ट बनाया होगा जो पिछली बार हम लोगों ने उसमें जो क्लास थी उसमें पास एक चार्ट भी बनाया था सह तउते का,
तो स्टार्ट को जरूर अपनी उसमें उत्तर पुस्तिका कॉपी में लिख के रखें, या उसको आप अपने कक्ष में भी ला सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं, तो उससे आपको ये जो कारक है उसको करने में बहुत सुविधा रहेगी। तो अहम खेलाती का आप हमेशा मी का प्रयोग होता है, तो इसमें अहम के साथ तो खेलामी, अहम खेलामी इसका बन जाएगा। वृक्षे पत्राणि पतंती अच्छा जाता है, इम्पोर्टेंट है, वृक्षे पत्राणि पतंती। तो ये एक नियम कारक तो हमने पिछले देखा था कि जो वृक्ष होता है वो वृक्ष वृक्ष से पत्ते अलग होते, पहले इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वो एक अनुवाद उसमें पंचमी विभक्ति में संस्कृत इसमें कारक में नियम है कि जब कोई चीज किसी से अलग होती है या गिरती है तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपादान कारक का, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग चीज के अलग होने में या गिरने में या दूर होने में किया जाता है। तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष वृक्ष की जगह हम काट के वृक्षात करेंगे, इसमें इसको हमें शुद्ध करना है, तो वृक्षात पत्राणि पतंती। उसी प्रकार अश्वाहा सैनिक पतंती, अश्व से घोड़े, वो घोड़े से अश्व से सैनिक गिरते हैं, तो इसमें जो अश्व है अश्वा अशुद्ध है, तो अश्वा की जगह हम लिखेंगे अश्वात, अश्वात सैनिक पतंती, यानी अश्व से घोड़े से सैनिक गिर रहे हैं, या इसमें सैनिक और अश्व में दोनों में आपस में वो जब अर्थ किया जाएगा इसमें, तो उससे अलग होने की क्रिया है या गिरने की क्रिया है, इसलिए इसमें भी अपादान कारक का या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका एक और देखते हैं, सीता रामम सहे वन, सीता राम के साथ वन को गई, तो इसमें भी आपने एक नियम देखा होगा तृतीया विभक्ति में कि किसी के साथ जाने में जिसके साथ हम जाते हैं उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसके साथ जाया जाता है, जैसे सीता राम के साथ वन को गई, तो इसमें राम के साथ सीता जा रही है, तो ये रामम असत्य ये अशुद्ध है, तो इसमें रामम की जगह हम लिखेंगे रामेण, इसमें हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है, सीता रामेण से वनम गता। ईश्वरम नमामि, ये भी प्राय परीक्षा पूछा जाता है, ईश्वरम नमः, तो इसमें एक नियम है चतुर्थी भक्ति में कि जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, तो इसमें हो जाएगा नमः। उसी प्रकार शिवम नमः, तो इसका हो जाएगा शिवाय नमः। गुरुम नमः, क्योंकि गुरु का रूप अलग से अलग प्रकार से चलता है, इनका बालक की तरह रूप है, इसमें शिवाय बालकाय जैसे है, तो इसमें शिवाय हो गया ईश्वर हो गया, लेकिन ये गुरु गुरु का रूप जो शब्द रूप है वो थोड़ा अलग है, इस केस में चतुर्थी भक्ति में गुरुवे हो जाएगा, गुरुवे नमः है, गुरुवे नमः। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, कृष्णम नवनीतम रोचते, कृष्ण को मक्खन अच्छा लगता है, तो इसमें भी एक नियम है कि जब किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, तो जिसको व्यक्ति को जो चीज अच्छी जिस व्यक्ति को कुछ अच्छा लगता है, तो उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करेंगे।
तो इसमें कृष्णम की जगह हम कर, इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है लेकिन हम कर देंगे कृष्णाय, कृष्णाय नवनीतम रोचते। अभी आपने ये कारक का फिर से द्वारा प्रयोग देखा है तो इसको आपने याद भी किया होगा इससे पहले जब पढ़ा हमने। तो ये कारक आपके 5 अंकों का है, तो ये 5 अंक बहुत होते हैं इसलिए इसको कारक पे आप बहुत ध्यान दें, क्योंकि कारक यदि आप होंगे तो आपको 5 अंक इसमें मिल सकते हैं अगर आपके कारक शुद्ध होंगे। पर इसमें आपको नियम को पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, इसमें आपके 4 अंकों का होगा ये, और 4 अंकों में आपके जोड़ी बनाओ युग्म मेलनम का एक प्रश्न रहता है, युग्म मेलनम यानी जोड़ी बनाओ। तो इसमें जोड़ी बनाओ में जो आपके पाठ्य पुस्तक के ही जो अभ्यास रहते पीछे के अभ्यास प्रश्न उसी में से दिए जाते हैं, तो आपको ये अभ्यास जितने भी आपके पीछे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप तैयार करें, और इसमें जोड़ी बनाना बहुत सरल है क्योंकि इसमें आप आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न उत्तर किए हैं, पाठ पढ़ा है, तो आपने अगर पाठ का ध्यान से अनुवाद किया, अर्थ याद किया है तो आप अवश्य इसको पढ़ सकते हैं, उत्तर कर सकते हैं इसको। तो ये युग्ममेलनम का आपका 4 अंकों का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 आपका 4 अंकों का ये भी रहेगा, तो इसमें एक पद आपको उत्तर लिखना है यानी छोटे वाक्यों में जो आपको एक ही शब्द में उत्तर है एक पद में, तो इसमें 4 प्रश्नों के आपको उत्तर कहें, इसमें 6-7 प्रश्न दिए जाते हैं, तो इसमें जो आपको सरल लगे तो उसको आप इसको कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है कह रक्षित रक्षति, तो ये अभी आपने इसमें सूक्ति वाले पार्ट में अभी पढ़ा है, तो इसमें कह की जगह जो प्रश्नवाचक शब्द है इसको हमें देखना है, इसी की जगह हमें लिखना है धर्म, जो धर्म है वही धर्मो रक्षति रक्षित है ना। इसमें आपने देखा कि जो धर्म है वही जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा, तो इसमें हम लिखेंगे धर्म। उसी प्रकार एक प्रश्न इसमें आपको जो प्रश्नवाचक जो शब्द रहता है उसी की जगह आंसर लिखना है, आप चाहें तो पूरा भी उत्तर लिख सकते हैं क्योंकि इसमें प्रश्न वाचक शब्द की जगह आप इसका उत्तर लिखें, बाकी का आप पीछे लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, समय अगर आप पास हो तो आप पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो आपको छोटी लिखना है। मदन विनोद है, कश्य पुत्र आसीत, मदन विनोद किसका पुत्र था, तो इसमें हमें कश्य की जगह उत्तर लिखना है, कश्य यानी किसका, तो हरिदत्तस्य, हरदत्तस्य ये था हरदत्तस्य का पुत्र, हरदत्तस्य मदन विनोद है हरदत्तस्य पुत्र आसीत। ये आपके दिन में भी पूछा जा सकता है, एक वाक्य में भी पूछा सकता है, तो एक वाक्य में तो आपको पूरा आंसर लिखना ही है, और इसमें एक पद में खाली हरदत्तस्य भी आप लिख सकते हैं केवल, और इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो प्रश्न जो आपका प्रश्नवाचक जो शब्द है या जिससे प्रश्न उसमें जो विभक्ति है वही आपके उत्तर में विभक्ति आना चाहिए, तो आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे इसमें कश्य है तो आप हरिदत्त नहीं लिखेंगे, हरिदत्त से आपके लिए लिखना होगा, उसी विभक्ति का आपको प्रयोग करना होगा। ये आपके 4 अंकों का है। इसके बाद आपके 15वें प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो एक पदेन के यानी वो आपको पूरा वाक्य उसका बना के उत्तर लिखना है, तो वो दो दो नंबर का एक आपका 2 अंकों का एक वो प्रश्न इसमें रहेगा, तो 3 प्रश्न आपके आएंगे 6 अंकों के। तो इसमें आपको बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है प्रश्नवाचक शब्द उसकी जगह आपको आंसर लिखना है, और बाकी पूरा आपको उसी का प्रश्न का ही आप उतार सकते हैं, आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है दशरथ
किमर्थम वनम गता गतवान, जो दशरथ थे वो किस लिए वन को गए? तो ये किमर्थम प्रश्नवाचक शब्द है, तो हम इसका उत्तर हमें दशरथ किमर्थम की जगह हम लिखेंगे आखेटार्थम, आखेटार्थम या आखेटाए भी लिख सकते हैं इसमें, आखेटाए वनम कि जो दशरथ थे वो शिकार करने के लिए वन को गए। तो आपका ये 6 अंकों का रहेगा प्रश्न ये वाला, तो दो दो अंक का एक एक प्रश्न रहेगा, तीन तीन प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में एक जो आपके जो पाठ में कहानियां रहती हैं पाठ्य पुस्तक में, कहानियों में से इसमें जो पीछे भी इसकी जो प्रश्न जो आपके अभ्यास प्रश्न होते हैं उसमें कहानियां दी रहती हैं, तो उसमें वाक्यों को आपको क्रम से लगाना होगा। जो वाक्य होते हैं वो क्रम से नहीं लगे रहते, उसको आपको वाक्यों को क्रम में लगाना है। ये आपकी जो कहानी क्रम वाली है, क्रम संयोजन वो 5 अंकों की है। इससे आप शुरुआत करते हैं, आप पाठ पढ़ते हैं उसी के अनुसार आपको पाठ से देख के कहानी का इसमें पता रहेगा कि आपको कैसे इसको कहानी का क्रम को वो पूरा करना है, क्रम से लगाना है इसको। प्रश्न नंबर 17 में आपके इसमें पूछा जाता है अपठित गद्य पूछा जाता है, तो अपठित गद्यांश में ये भी 5 का रहता है, तो अपठित गद्यांश में इसमें 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें एक प्रश्न ज्यादातर आपके ग्रामर का रहेगा, व्याकरण का, उसमें विलोम शब्द समास संधि विच्छेद प्रत्यय कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें एक एक अंक का एक एक प्रश्न रहेगा, 5 अंक। तो आप इसको अपठित गद्यांश को पहले धैर्य पूर्वक ध्यान से पढ़ें और इसमें से उत्तर आप छांटें इसके, तो आपको उत्तर इसके जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें आसानी से उत्तर मिल जाएंगे। तो आप इसको उत्तर को इसमें लिखेंगे, 5 अंकों का आप इसमें कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न आपका आता है, ये आएगा सर इसका निबंध का, तो निबंध में आपको 100 शब्दों में सब शब्देशु लिखना है, 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो 100 शब्दों में आप निबंध या तो क्रम पूर्वक पंक्तियों में लिख सकते हैं और या फिर इसको आप चाहे तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ आप हेडिंग डाल के करें, तो इसको हेडिंग डाल के भी आप इसको कर सकते हैं। तो निबंध में आपके हमेशा ये पुस्तकम कितना हो गया, पुस्तकम उद्यानम और विद्यालय, ये जो निबंध है इनको आप ध्यान से पढ़ें, तैयारी करें। प्रार्थना पत्र अवकाश का प्रार्थना पत्र भी याद करें, ये 4 अंकों का है। तो आप इसकी प्रश्न पत्र की अपनी तैयारी करें ताकि आप छमाही परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके बाद अगली कक्षा में हम इसका आगे का जो प्रश्न पत्र का भाग है वो देखेंगे, तैयार करेंगे। नमो नमः।